नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बारे में। देखिए, हम जानते हैं 24 फरवरी 2022 से ही रशिया और यूक्रेन के बीच एक युद्ध चल रहा है। 2 हफ्ते से भी ज़्यादा हो चुके हैं, युद्ध अभी भी चल रहा है। किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि इतना लंबा ये वॉर चलेगा, लेकिन वॉर इज स्टिल गोइंग ऑन। यूक्रेन अभी भी कॉन्फ्लिक्ट जोन बना हुआ है। हम लोग पिछले 2 हफ्तों से कंटिन्यूसली इस चीज़ को कवर कर रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। हम लोगों ने बात की थी कि इंडिया के 20,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स वहाँ पे थे, उन छात्रों को, मेजॉरिटी छात्रों को वापस लाया गया है अंडर ऑपरेशन गंगा। इसके अलावा क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा की थी। उसको जोड़ा था हम लोगों ने कैसे यूनाइटेड स्टेट्स का जो बैन लगा है रशियन क्रूड ऑयल के ऊपर, उससे और भी ये दर बढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने इंडियन फार्मर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी की बात की थी, क्योंकि देखिए जो भी वहाँ से इंपोर्ट होता था, इंपोर्ट मतलब आयात, जो भी वहाँ से आयात होता था फ्रॉम रशिया यूक्रेन रीजन, जैसे कि वीट के ऊपर हम लोगों ने चर्चा की थी कि गेहूं के फार्मर्स इंडिया में अभी ज़्यादा से ज़्यादा दाम ले सकते हैं, प्रॉफिट ज़्यादा चल रहा है। हम लोगों ने बात की थी कि एक्सपोर्टर्स ने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं वीट के अलावा। हम लोगों ने कॉर्न की बात की थी, कॉर्न ऑल्सो बार्ली एंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ ऑयल, दैट इज़ कुकिंग ऑयल। मैंने आपको बताया था सनफ्लावर ऑयल सबसे ज़्यादा इसका आयात आया करता था फ्रॉम यूक्रेन, 80% ऑफ इम्पोर्ट्स यूज टू कम फ्रॉम यूक्रेन ओनली। तो कुकिंग ऑयल, स्पेशली सनफ्लावर ऑयल, सूरजमुखी का जो तेल है, उसके दाम बढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो मैंने आपको ये कहा था कि इंडियन फार्मर्स को अगर इन सारी चीज़ों की कल्टीवेशन अगर बढ़ाएंगे तो आने वाले समय में फ़ायदा मिल सकता है, तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात की थी। लेकिन आज हम लोग एक नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग एक कमोडिटी या फिर एक प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जो भारत निर्यात किया करता था इस रीजन को, स्पेशली टी। आप यहाँ पे देख सकते हो, यूक्रेन क्राइसिस हिट्स टी ऑक्शंस इन कोची। तो जब भी ये मैं डिस्कशन करता हूँ, शुरुआत में मैं आपको पूरा बैकग्राउंड बताता हूँ, क्योंकि आप अपनी प्रिपरेशन में भी इसको कंसोलिडेट कीजिएगा कि व्हाट विल बी द इम्पैक्ट। अभी एग्रीकल्चरल इम्पैक्ट में देखिए इन चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन टी एक ऐसी कमोडिटी है जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं टू रशिया यूक्रेन रीजन, जिसके दाम कंटिन्यूसली घट रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा रहेगा तो उसके दाम घट रहे हैं। तो चलिए आज समझते हैं हाउ रशिया यूक्रेन क्राइसिस इज इम्पैक्टिंग द टी इंडस्ट्री एंड टी एक्सपोर्ट्स इन इंडिया। तो दैट वुड बी आवर एजेंडा इन दिस डिस्कशन। टू गेट टू नो द इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट, स्टे विद मी ऑन स्टडी आईक्यू। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, देन डू विजिट studiiq.com या फिर आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। और ध्यान रखिएगा, 21 मार्च 2022 तक होली सेल चल रही है, यूज़ द कोड राहुल33, जहाँ पे आपको 33% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। जो ऑलरेडी डिस्काउंट रनिंग है उसके ऊपर आपको और 33% डिस्काउंट मिलेगा किसी भी कोर्स पे ऑन द स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म। डू नॉट फॉरगेट टू यूज दिस कोड। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया क्या हुआ है, रशिया यूक्रेन वॉर किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि इतना लंबा चलेगा। अब ये लंबा खिंच चुका है, तो इसकी वजह से टी एक्सपोर्टर्स जो हैं वो सबसे पहले तो पेमेंट क्राइसिस फेस कर रहे हैं, यानी कि ऑलरेडी जो चाय यहाँ से निर्यात हो चुकी है ब्लैक सी में, इट इज़ नाउ देयर इटसेल्फ, रशिया हैज़ नॉट इवन टेकन दोज ऑर्डर्स। तो अगर ऑर्डर नहीं लिए हैं तो पेमेंट भी नहीं हो रही है। इसके अलावा फ्रेश ऑर्डर का तो भूल ही जाइएगा। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, टी इंडस्ट्री के ऊपर एक इम्पैक्ट बढ़ रहा है इंडिया के, नेगेटिव इम्पैक्ट। चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहली चीज़, टी इंडिया में कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होती है। आप जानते हैं कि टी बेल्ट है असम, मेघालय एंड वेस्ट बंगाल। दार्जिलिंग टी इज़ वेरी वेल नोन, असम टी इज़ वेरी वेल नोन। इसके अलावा आपको कंगरा वैली में भी टी प्रोड्यूस होती है, और अनदर बेल्ट इज द वेस्टर्न घाट। और आपको ध्यान रखना है वेस्टर्न घाट टूवर्ड्स द वेस्टर्न साइड, प्लीज़ रिमेंबर दिस। केरला एंड तमिलनाडु आर मेजर प्रोड्यूसर्स। और तमिलनाडु में भी जब आप बात करें तो तमिलनाडु के ईस्टर्न साइड पर आपको ज़्यादा टी नहीं मिलेगी, बट टूवर्ड्स द वेस्टर्न घाट साइड आपको टी प्रोड्यूसिंग रीजन्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि टी के लिए कुछ फेवरेबल कंडीशंस होती है। यहाँ पे मैंने आपको फेवरेबल कंडीशंस फॉर कल्टीवेशन ऑफ टी बताइए। टेम्परेचर होना चाहिए आइडियली 20-30 डिग्री सेल्सियस, और इसको कॉन्ट्रास्ट करने के लिए आपको कॉफ़ी भी दिया हुआ है आपकी प्रिपरेशन के लिए, लेकिन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे टी के बारे में। 20-30 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, विच इज़ वेरी वेल नोन, वेस्टर्न घाट्स में आपको यही मिलेगा, यहाँ पे आपको हिली रीजन में यही मिलेगा, हिमाचल में भी टेम्परेचर इज़ वेरी फेवरेबल। इसके अलावा रेनफॉल चाय के लिए ज़्यादा चाहिए, 150 से
300 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए एवरेज रेनफॉल, आपको ये मिलेगा यहाँ पे ऑफकोर्स, क्योंकि देखिए हिली रीजन है, यहाँ पे भी आपको रेनफॉल स्नोफॉल बिल्कुल मिलेगा। टुवर्ड्स वेस्टर्न घाट इन केरला एंड इन मिड तमिलनाडु आपको पानी अच्छी मिलेगी। इसके अलावा लाइट लोमी सॉइल चाहिए जो आपको नॉर्मली हिली रीजन में मिलते हैं, लाइट स्लोप्स भी अच्छे होते हैं। तो मेजर प्रोड्यूसिंग रीजन्स है असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला, एंड टुवर्ड्स द सेंटर हिमाचल प्रदेश, दैट इज कांगड़ा वैली इज ऑल्सो वेल नोन फॉर प्रोड्यूसिंग टी। तो जो चाय निर्यात होती है मेजॉरिटी रशिया की तरफ, वो जाती है फ्रॉम केरला एंड तमिलनाडु, इट गोज थ्रू द मैरिटाइम रूट एंड इट रीचेस टू द ब्लैक सी। अब देखिए सबसे बड़ा मार्केट है रशिया, यूक्रेन, इसके अलावा सेंट्रल एशियन स्टेट्स यानी कि कजाकिस्तान और दूसरे सेंट्रल एशियन स्टेट्स, तो वहाँ पे हम लोग इंडिया की चाय भेजते हैं, टी वी यूज टू एक्सपोर्ट। नाउ व्हाट हैपन, देखिए रशिया अपना जो भी इंपोर्ट करता था वो चाय, उसमें से 20% इंडिया से मंगवाता था और मेजॉरिटी वो जाता था कोचिन पोर्ट से। यानी कि अगर रशिया 100 kg टी मंगवा रहा है पूरे विश्व से, तो 20 kg इंडिया से ही जाता था। ये कहते हैं कि इंडिया का जो ट्रेड था विद रशिया, एवरी मंथ अप्रॉक्सीमेटली 65-70 crore वर्थ टी वॉज एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, मेनली फ्रॉम कोचिन पोर्ट। पिछले साल की बात करें, पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें, तो 589 crore वर्थ टी वॉज एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू रशिया। लेकिन हम जानते हैं कि अभी रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक वॉर जोन बन चुका है, तो प्रॉब्लम्स क्या चल रही है, प्रॉब्लम इज दिस। नाउ द टी एक्सपोर्टर्स दे आर कंसर्न कि ऑलरेडी जो टी की एक्सपोर्ट जा चुकी है, जो ऑलरेडी निर्यात हो चुकी है, वो ब्लैक सी में है, रशिया ने अभी तक डिलीवरी ली नहीं है, पेमेंट डिले हो रही है। इनफैक्ट इन जनरल रशिया की हम लोग जब भी बात करें तो डिलेड पेमेंट ही आती है, अप्रॉक्सीमेटली 60 days डिलेड पेमेंट आती है, यानी कि हम लोग यहाँ से टी भेजेंगे तो उसके 60 दिनों बाद वहाँ से पेमेंट आया करती थी, और अभी तो और भी ज़्यादा डिले होगी। यानी कि जो ऑलरेडी जा चुका है उसकी तो डिले होगी, आगे वाले शिपमेंट का क्या होगा ये नहीं पता है। नॉट जस्ट रशिया, यूक्रेन हो, कजाकिस्तान हो, क्योंकि मेन जो पहुंचना था इट यूज टू मूव फ्रॉम यूक्रेन इटसेल्फ, यूक्रेन वॉज लाइक अ सेंटर। इसके अलावा अभी जो नए ऑर्डर्स आने हैं वो तो ऑलमोस्ट ठप ही हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि रशिया से तो नहीं आएंगे। अब रशिया के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगे हैं, इतने सैंक्शंस लगे हैं कि उनकी रूबल, रशिया की जो करेंसी है रूबल, इट हैज़ डेप्रिशिएटेड हैवीली। तो क्या आगे ऑर्डर आएंगे, परहैप्स नॉट। अब इसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है टू इंडियन एक्सपोर्टर्स। अगर आप दाम देखें, मैंने आपको पहले क्रूड ऑयल के प्राइजेस बताए थे, क्रूड ऑयल के प्राइजेस बढ़ रहे हैं, सनफ्लावर ऑयल के प्राइजेस बढ़ रहे हैं, गेहूं वीट के प्राइजेस बढ़ रहे हैं। अगर आप टी प्राइजेस देखिए, टी बोर्ड ऑफ इंडिया के लेटेस्ट प्राइजेस है, अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाओगे तो और भी आपको और लेटेस्ट डेटा मिलेगा, जब भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब का वो डेटा है, कि यहाँ पे आप देख सकते हो वीक एंडिंग डेट 26/02/2022, यहाँ तक लास्ट डेटा था। कोलकाता में प्राइस वॉज 142, कोचिन में प्राइस वॉज 136, और अभी ये बताया जा रहा है कि इट हैज़ रीच्ड 130 और इवन बिलो 130 पर केजी। अगर आप इसका ट्रेंड देखें कंटिन्यूसली, दी प्राइजेस हैव बीन फॉलिंग फ्रॉम 190, इट हैज़ रीच टू 142, यहाँ पे इन कोचिन अगेन फ्रॉम 140 इट हैज़ कम डाउन टू 130 अप्रॉक्सीमेटली। अब इन सब चीज़ों से क्या पता चल रहा है कि टी एक्सपोर्टर्स अभी प्रेशर में है, क्योंकि इंडिया में एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, टी बहुत ज़्यादा है, लोकल डिमांड कम है, तो क्या होगा। सिंपल डिमांड एंड सप्लाई का रूल क्या कहता है, अगर आपके पास सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो क्या होगा प्राइस का, यही होगा प्राइस का। अब इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं टू द टी बोर्ड ऑफ इंडिया एंड स्पेशली टू द टी फार्मर्स, टी कल्टिवेटर्स। अब सवाल उठता है क्या भारत सरकार कुछ कर रही है, बिकॉज इट इज़ अ पोटेंशियल प्रॉब्लम। दूसरी जगह पे मैंने आपको बताया था कि अपॉर्चुनिटी है, गेहूँ तो हम लोग बहुत एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हायर प्राइसेस, उसके दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके दाम घट रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं। देखिए सरकार ने ये बताया कि टी बोर्ड ऑफिशियल्स ने बताया कि कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कोशिश की कि जो भी कंसाइनमेंट्स ऑन रूट रशिया थे, कजाकिस्तान, यूक्रेन थे, उन्हें चाइना के थ्रू भेजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं निकला है। क्यों, क्योंकि जो भी ऑफिसर्स है, जो भी टी इम्पोर्टर्स के ऑफिसर्स हैं, वो मोस्टली यूक्रेन में हैं, और आप जानते हैं कि यूक्रेन की हालत क्या हो चुकी है, यूक्रेन इज अ वॉर जोन, इट इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट जोन एज ऑफ नाउ। तो अभी तक देर हैज़ बीन नो ब्रेक थ्रू येट, यानी कि जो रशिया इम्पोर्ट किया करता था, जो यूक्रेन इम्पोर्ट किया करता था, जो सेंट्रल एशिया इम्पोर्ट किया करता था, वो ऑलमोस्ट ठप हो चुके हैं। अब इसका मतलब क्या है, वी नीड टू फाइंड सम न्यू मार्केट्स, और यही काम कर रही है सरकार। गवर्नमेंट इज़ लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव मार्केट्स फॉर टी एक्सपोर्ट्स, गवर्नमेंट इज़ लुकिंग टुवर्ड्स इराक, सऊदी अरब, US, जापान, ट्यूनिशिया इन व्यू ऑफ रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। तो आने वाले समय में इंडिया इज एक्सप्लोरिंग द मार्केट, अगर कोई MOU, कोई डील होगी तो हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल
जो टी एक्सपोर्टर्स हैं तो उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है, बहुत सारी पेमेंट्स आनी है, नए ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए सरकार यहाँ पे लगी हुई है कि नए मार्केट्स ढूंढे। इसके ऊपर जब भी कोई अपडेट आएगी तो विल डिस्कस अगेन ऑन स्टडी आईक्यू, बट एज ऑफ नाउ टी इज वन कमोडिटी जिसके प्राइजेस घट रहे हैं बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन क्राइसिस। डू नोट दैट एंड प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन। विद दैट नोट लेट मी एंड माई डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।